नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत कोचर और आज हम बात करेंगे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से आपकी उम्र कैसे बढ़ती है और कैसे आप देर से बूढ़े होते हैं। देखो, तुम्हारे शरीर के अंदर एक पाचन तंत्र है जिसमें तुम्हारा पेट आ जाता है, तुम्हारी आंतें आ जाती है, तुम्हारे लीवर का भी पाचन में काम होता है, तुम्हारे शरीर में एक डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसमें तुम्हारे कई ऑर्गन आते हैं। ये सब मिला करके एक तरीके से मशीन मान लो कि एक मशीन है। तुम जितना ज़्यादा ज़्यादा खाओगे उतना ज़्यादा ये मशीन उसे बचाने के लिए काम करेगी। जितना ज़्यादा ये मशीन काम करेगी उतना ज़्यादा जल्दी ये मशीन ख़राब हो सकती है, ठीक है। तो और तुम्हारा शरीर एक पूरी एक मशीन है, हाथ पैर और सब सर वगैरह सब कुछ मिला करके। तो तुम सोचोगे मैं इस मशीन को 500 साल चलाने के लिए खाना ही छोड़ दूँ कि मशीन कभी ख़राब ही नहीं हो, तो ऐसा भी नहीं। पूरी मशीन चलाने के लिए कुछ खाना भी है, तो हमें खाना है पर हमें बहुत ज़्यादा नहीं खाना। तो कहने का मतलब है कि जब आप बहुत ज़्यादा खाते हो या ज़्यादा ज़्यादा खा रहे हो तो ये जो हमारे पाचन क्रिया है, हमारी पाचन तंत्र है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारे जो ऑर्गन है, बहुत काम करते हैं पचाने के लिए पचाने के लिए पचाने के लिए। तो बहुत काम करती जा रही मशीन, चलती जा रही तो वो जल्दी ख़राब हो जाएगी। लगातार बहुत ज़्यादा चलती जा रही तो वो ख़राब हो जाएगी। तो अगर कोई मोटर चलाया जा रहा तो उसकी तार जल जाएगी या मोटर फट जाएगी ऐसे। और हमारी मशीन ख़राब होने का मतलब क्या है कि मर जाना। मतलब अगर हमारे शरीर ख़राब हो गया, हमारी पाचन क्रिया ख़राब हो गई, तो इसका मतलब हम मर जाएंगे जल्दी। जब इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हो तो तुम क्या करते हो कि तुम खाने पे कुछ देर तक खाना नहीं खाते हो, और ऐसा करने से तुम्हारे पाचन क्रिया को आराम मिलता है। और जब तुम कुछ देर खाना खाते हो तो काफ़ी संभावना ऐसी रहती है कि तुम खाना कम खा पाओगे, क्योंकि तुम जितनी देर में खाना खा रहे हो वो जो टाइम फ्रेम है वो कम है, वो टाइम पीरियड जो है वो कम है। तो क्या होता है कि हम कम खाते हैं और काफ़ी देर तक अपने पाचन तंत्र को, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम देते हैं, तो मशीन को आराम भी मिल रहा है, मशीन उतना ज़्यादा काम भी नहीं कर रही, तो मशीन लंबी चलती है। लंबी चलने का मतलब क्या है कि हम ज़्यादा टाइम तक जीते हैं, तो हमारी उम्र बढ़ती है, ऐसे हमारी उम्र बढ़ती है। जब ये मशीन आराम कर रही होगी, जैसे आपने मान लो एक दिन कुछ नहीं खा रहे तो एक दिन हफ्ते में आपके शरीर को आराम मिल रहा है। आप दिन में 16 से 18 घंटे तक कुछ नहीं खाते और बचे 6 से 8 घंटे में खाना खाते, तो 16 से 18 घंटे आपके शरीर को जो आराम मिलता है ना, उसमें आपका शरीर अपना शुद्धिकरण करता है, अपने अंदर से जो भी कचरा है उसे निकाल करके बाहर निकालता है। आपका शरीर जो एक होता है ना मेंटेनेंस का काम करता है, जब पहले आप कोई चीज़ घर बना लिया फिर उसके बाद में उसका मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं, तो जब उसको आराम का टाइम मिलता था वो मेंटेनेंस करेगा ना। जब वो घर बना रहा है तब कैसे मेंटेनेंस करेगा, तो जब उसने खाना वाना बचा लिया उसको आराम मिल रहा है तब वो अपना शुद्धिकरण करता है। ये शास्त्रों से आई बात है कि उस वक्त शरीर अपना शुद्धिकरण करता है, जो भी शरीर की गंदगी है उसे बाहर निकालता है। अब क्या है कि कोई मशीन आप बहुत देर तक चला जा रहा, तो मशीन क्या है, मशीन ख़राब हुई। तो एक मशीन है जो कि 5 साल में ख़राब होती है, तो पहले साल वो ढंग से चलेगी, 2 साल तक चलेगी, 3 साल में थोड़ी सी दिक्कत होगी, 4 साल में थोड़ी और दिक्कत होगी, 4.5 साल में तो खट खट करने लगेगी, और 4.5 साल में तो चलना बंद हो जाएगी, कभी रुकेगी कभी बंद होगी, और 5वें साल में 5 साल होते ख़त्म। तो मशीन ख़त्म होने से पहले हमें महसूस कराती है कि देखो मैं ख़त्म हो रही हूँ, अपने हमें कुछ चिन्ह देती है। और इंसान का शरीर जो मशीन है वो ख़त्म होने से पहले क्या दिखाता है, बुढ़ापा। तो अगर हमारी मशीन जल्दी ख़राब होगी तो हमारा बुढ़ापा जल्दी आएगा, अगर हमारी मशीन देर से ख़राब होगी तो हमारा बुढ़ापा देर से आएगा। तो अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हो तो आपकी जैसे उम्र बढ़ती है तो इससे आपका बुढ़ापा भी देर से आता है, आप ज़्यादा वक्त तक जवान रहते हो। कोई 60 साल का आदमी होगा तो उसको लोग देखेंगे, अरे यार आप तो 40-45 के लगते हो, कोई 55-50 का होगा यार 35 साल के लगते हो, क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग का ये फायदा पाया गया है, ये साइंस में भी ऐसे पाए गए। तो देर से बूढ़े हो गए ले दे करके कम खाओ तो ज़्यादा जीने को मिलेगा और ज़्यादा देर तक जवान रहने को मिलेगा। तो मैं ये कहूँगा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के जो भी तरीके हैं उन्हें अपनी ज़िंदगी में उतारो, अपने शरीर को आराम दो, कोशिश करो कि दिन में 12 से 16 घंटे कुछ ना खाओ, और बचे हुए टाइम में कुछ खाओ। जैसे शाम होती है 7 बजे और सुबह होती है 7 बजे, सूर्यास्त से सूर्य उदय के बीच में 7 से 7 12 घंटे होते हैं, तो इस बीच में कुछ नहीं खाया, फिर सुबह उठे, फिर ब्रश किया और फ्रेश हुए और कुछ और थोड़ा बहुत और काम करा, तो 1-2 घंटे वैसे ही निकल जाते हैं, 1.5-2 घंटे। 9 बज गए, 14 घंटे हो गए, फिर कुछ खाया तो 14 घंटे हो गए, फिर धीरे धीरे आदत बना करके 10 बजे तक किया तो 15 घंटे हो गए, फिर थोड़ी और आदत बनाई तो 11 से 7 के बीच में 8 घंटों के अंदर खाना खाया, और फिर शाम के 7 से अगले दिन सुबह 11 बजे कुछ नहीं खाया, 16 घंटे का हमें फ्री टाइम मिलता है, हमारे शरीर को आराम मिलता है उसमें।
वैसे उम्र बढ़ेगी। और इन बातों में हमेशा ध्यान रखना है कि भूख से हमेशा कम खाना है और जब भूख लगे तभी खाना है, ठीक है। देखो यहाँ तक तो ये वीडियो था जिसमें जिसको लगता है कि लंबे वीडियो नहीं देखने, वो यहाँ पे वीडियो छोड़ करके जा सकता है। इसके आगे मैं एक उदाहरण से यही बात उदाहरण से समझा रहा था कि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। देखो कोई भी मशीन है उसकी दो चीज़ें होती है, एक तो उसकी एक कैपेसिटी होती है, मतलब उसकी सामर्थ्य कितना काम कर सकती है एक बार में, और एक होता है वो मशीन लगातार चल रही है। हमारे लिए शरीर की कैपेसिटी क्या है कि हमें भूख लगी, हमने भूख के हिसाब से खाना खाया, अब भूख से ज़्यादा खा रहे तो हम अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा खा रहे हैं, भूख जितना खा रहे तो अपनी कैपेसिटी जितना खा रहे हैं, और भूख से कम खा रहे तो हम अपनी कैपेसिटी से कम खा रहे हैं, अपने सामर्थ्य से कम खा रहे हैं, जितना हम बचा सकते उससे कम ही खा रहे हैं, ज़्यादा नहीं खा रहे ना उतना खा रहे हैं। और लगातार चलाने का क्या मतलब अपने शरीर को कि हम खाए जा रहे हैं, मतलब हर दो घंटे पिछला खाना पचा नहीं कि नया खाना, दो घंटे तीन घंटे में खाए जा रहे हैं। 24 घंटे का पूरा दिन होता है, हम समझ लो 6-7-8 घंटे सोते हैं, मान लेते हैं जिम जाने वाला आदमी वीडियो देख रहा है और कुछ 8 घंटे सोता है, बच्चे 16 घंटे, 16 घंटे में हम उठते ही चलना चालू करते हैं, दो तीन घंटे में खाते रहते हैं, तो क्या होता है। और फिर जब हम रात को सोए 16 घंटे बाद, तो सोने से हमने आधे घंटे पहले ही खाया था, 15 से 16 जो घंटा था उसी में हमने खाया था। अब तो सो गए, लेकिन वो जो खाना आपने खाया वो भी तो अभी अगले 2-3-4-5 घंटे तक बचता रहेगा ना, तो 15-16 से 1 घंटे आपके 18-19-20 तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि अगले कई घंटों तक बचेगा, क्योंकि वो तो पाचन क्रिया तो चल ही रही अंदर। तो एक तरीके से देखो तो 24 घंटे में तुम्हारी पाचन क्रिया, अगर तुम लगातार थोड़े थोड़े टाइम में 2-3 घंटे में खाए जा रहे हो, तुम्हारी पाचन क्रिया कितनी देर तक चल रही है, मतलब करीब 15-16 से लेकर 18-19-20 घंटों तक चल रही है, सिर्फ कुछ 2-3-4 घंटों को उसे अगर आराम मिलता है फिर वो तुम अगले दिन उठते ही कुछ वापस चालू हो जाते हो। तो क्या है कि ये कंटिन्यूस लगातार अपनी पाचन क्रिया को काम लेना है, और कैपेसिटी में खाना मतलब जितनी भूखे उतना खाना है, उससे भी ज़्यादा खाना। तो अभी उदाहरण लेते हैं, मशीन है पापड़ निकलता है उससे, मशीन से 1 घंटे में 10 किलो पापड़ तक निकाल सकती है, चाहो तो 2 किलो निकाल लो, 5 किलो, 10 किलो निकाल सकती है ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे में। 24 घंटे चलाओगे 240 किलो पापड़ निकाल रही है। एक केस हो गया कि तुम उसे 24 घंटे चलाए जा रहे हो, मशीन चले जा रही है और हर घंटे में तुम उसे 10-10 किलो पापड़ निकाले जा रहे हो, और ऐसा तुम पूरे साल करे जा रहे हो, मशीन चले जा रही है और अपनी जितना सामर्थ्य है वो पूरा लगाए जा रही है, मशीन बहुत जल्दी खराब हो जाएगी। वही उदाहरण अगर हम अपने शरीर में लें कि खाना हर थोड़ी थोड़ी देर में खाए जा रहे हो और एकदम पेट भर भर करके खाए जा रहे हो, एकदम दबा दबा करके खाए जा रहे हो, और थोड़ी थोड़ी देर में 2-3 घंटे में खाओ आठ दो और एकदम पेट भर भर करके लगातार भी खाए जा रहे हो, और जितनी तुम्हारी भूखे उठती है उससे ज़्यादा भी खाए जा रहे हो, उससे हल्का कम नहीं खा रहे, उतना है उससे ज़्यादा ही खा रहे हो, तो तुम्हारी कैपेसिटी भी पूरी पाचन क्रिया की जो कैपेसिटी है, जो सामर्थ्य है, वो भी पूरा काम आ रहा है और लगातार चले जा रही है, ये बहुत ख़राब है। दूसरा कि तुम अपनी मशीन है पापड़ बनाने वाली, उसको तुम लगातार हर घंटे चलाए जा रहे हो, पर हर घंटे उससे 10-10 किलो पापड़ नहीं निकलवा रहे, उससे कुछ कम निकलवा रहे, 5-5 किलो मान लो, 5-5 किलो पापड़, तो तुम उसकी कैपेसिटी पूरी काम नहीं ले रहे पर लगातार चलाए जा रहे हो। वही तुम अपने शरीर के साथ में भी मान लो कि हर 2-3 घंटे पे खा रहे हो लेकिन भूख से हल्का कम खाते हो, ये पहले वाले केस से थोड़ा अच्छा है। इसके बाद तीसरा केस है कि तुम पापड़ बनाने वाली मशीन को हर घंटे 10-10 किलो पापड़ निकलवा रहे हो उससे, पर तुम ऐसा उससे दिन भर में 12 घंटे करते हो, और 12 घंटे 24 घंटे में से 12 घंटे उसको बंद कर देते हो, मशीन को आराम मिलता है। जो 12 घंटे तुम चलाते हो उसमें हर घंटे पूरी कैपेसिटी काम लेते हो, 10-10 किलो पापड़ निकलवाते हो। इसी को शरीर में सोच के देखो कि तुम 12 घंटे कुछ नहीं खाया, सूर्यास्त से सूर्योदय तक 12 घंटे थे मान लो, तो तुमने कुछ नहीं खाया, आराम मिला। जो बचे 12 घंटे थे उसमें तुमने मतलब जब भी खाया तो एकदम पेट भर भर करके कैपेसिटी पूरी काम ली, मतलब पूरा सामर्थ्य काम लिया, पाचन क्रिया को पूरा काम करवाया, पर फिर आराम भी दिया 12 घंटे का, ये भी थोड़ा ठीक है पहले वाले केस से। अब तुम कहोगे दूसरे और तीसरे में कौन सा ज़्यादा अच्छा है, तो ऐसे बता पाना मुश्किल है, ठीक है। पर चौथा केस सबसे अच्छा है कि तुम हर घंटे पापड़ की मशीन से 10 किलो से कम ही, उसकी कैपेसिटी से कम पापड़ निकाल रहे हो और उसे 12 घंटे का आराम भी दे रहे हो 24 घंटे में से, तो वो हर घंटे 5-5 किलो की पापड़ निकाल रही है मान लो, और 12 घंटे काम करके वो 12 घंटे का आराम भी मिल रहा है उसको, बंद है, फिर अगले दिन उसकी मोटर वापस चालू होगी। तो वैसे ही तुम दिन में जैसे 24 घंटे से 12 घंटे खाना नहीं खा रहे हो, जब खाना खा रहे हो तो भूख से हल्का कम खा रहे हो, जब भूख लग रही है तब खा रहे हो, लगातार ऐसे नहीं है भूख नहीं लगी 2-3 घंटे हो गए तो अरे बॉडी बनानी है तो लो आन दो, ऐसे नहीं, 4 घंटे 4.5 घंटे बाद भूख लगी तब खाया, 5 घंटे बाद भूख लगी तब खाया,
उन्हीं 12 घंटे में जिनमें खाना खाना है, तो इसमें क्या है, खाना तुम्हारे जो कैपेसिटी है वो भी तुम भूख सेल का काम खा रहे हो, और जब भूख लग रही है तब खा रहे हो, तो तुम्हारी कैपेसिटी भी पूरी काम नहीं ले रहे, और फिर तुम अपनी मशीन को जो पाचन क्रिया उसको पाचन तंत्र है उसको आराम भी दे रहे हो बाद में 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे 18 घंटे, या उपवास कर रहे हो तो पूरे दिन नहीं खा करके उसे बहुत आराम दे रहे हो। तो ये सबसे अच्छा है, बाकी तीनों के मुकाबले ये सबसे अच्छा है, हमें यही करना है। मैंने तुम्हें यही कहा कि अपने शरीर को अगर पूरे दिन का उपवास का आराम दे सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। शास्त्रों में आया है कि उपवास सबसे बड़ी औषधि है, मतलब उपवास से बहुत बीमारियां दूर होती है। अगर कोई कहे औषधि सबसे अच्छी कौन सी, तो उपवास। ठीक है, तो अगर कोई नहीं कर सकते यार, बहुत लोग नहीं कर पाते पूरे पूरे दिन भूखा रहना आसान नहीं है, तो कोशिश करो कि दिन में ज़्यादा से ज़्यादा जो तुम्हारा टाइम है उसमें तुम नहीं खाओ, और जो खाना खाना है वो कम से कम टाइम के बीच में खाओ, ताकि जो बचा हुआ टाइम है उसमें तुम्हारे शरीर को आराम मिले। भूख से कम खाना, और जब भूख लगे तभी खाना, इससे तुम्हारी उम्र लंबी रहती है। वैसे तो तुम्हारी उम्र लंबी ही है, तुम उसे ज़्यादा खा खा करके कम कर रहे हो। उस तरीके से देखो, तुम्हारी उम्र तो लंबी है, तुम उसे ज्यादा खाखा करके कम करो, तो ऐसा नहीं करना। उम्र तुम्हारी लंबी रहती है जितनी होनी चाहिए वैसी रहती है, और बूढ़े लेट होते हो, बूढ़े देर से हो गए, ज्यादा जीवन जो जियोगे वो लंबा जियोगे, सेहतमंद जियोगे, और ज्यादा जवान रह के जियोगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर कर सकते हो। तुम सभी वीडियो मिलेगा, नमस्कार।